हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल DKT क्लब में। ये जो दोस्तों आज की वीडियो है, ये होममेड टेक्निकल पर नहीं है, आज ये नॉलेज पर है। मेरे पास एक ये टॉर्च थी और इसके ये तार और ये स्विच बैटरी ये खराब होकर टूट गए हैं, ये खुलकर अलग अलग टूट गए, तो आज मैं इसी की वायरिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसे आपको ध्यान से समझना है वीडियो को, ये काफ़ी आसान होती है। और ये इसका बोर्ड होता है, इसमें सोलर है, एक टॉर्च यहाँ या एसी है। आप जानते होंगे कि जो ये टॉर्च होती हैं, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता, इसमें ट्रांसफार्मर लेस सप्लाई होती है जो एक PF की मदद से बनाई जाती है। PF और चार डायोड, एक रेजिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हो एक ये वाली PF और एक ये रेजिस्टेंस और एक इसकी LED और ये कुल चार पांच चीजों से मिलकर इसकी जो चार्जर होता है या से कुछ भी बोल लो ट्रांसफार्मर लेस सप्लाई होती है, ये इसमें लगे होते हैं। और दोस्तों इसमें बाकी तार लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो उसी के लिए आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और आप मेरी प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो, अगर उसमें भी कोई आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें जो ज़्यादातर तो लिखे ही होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जैसे ये K1, K2, D1, D2, AC, AC2, तो आप इससे समझ सकते हैं जहाँ AC1, AC2 लिखा है वहाँ आपको AC लाइन देनी है और जहाँ इस तरह लगाना है K1, K2, K3, ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता आपको कौन सा वायर कहाँ लगाना है। यहाँ की के मेरे पास इसमें और तरह का सिस्टम है, यहाँ तीन तार दिए। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले हम इसमें बैटरी को लगा के देखेंगे। बैटरी से इससे क्या होता है कि हमें बैटरी से इसकी फिर चेकिंग के टाइम परेशानी नहीं होती। अगर आपकी मेरे इस पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैटरी माइनस, एक जगह लिखा हुआ है बैटरी माइनस और एक और जगह लिखा हुआ होगा बैटरी प्लस, ये रहा बैटरी प्लस, बैटरी माइनस, ये प्लस है, ये बैटरी माइनस है। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ ना तो मैं भी इसकी पहचान बता दूंगा आपको बैटरी के तार कहाँ लगाने। आप दो डायोडों को देखना, दो डायोड जहाँ सिल्वर सिल्वर एक हो रहा हो, दो डायोड का सिल्वर सिल्वर एक हो रहा हो और उससे आगे कुछ प्रिंट हो जो बाकी की सप्लाई में जा रहे हों, जैसे कि रेजिस्टेंस पर या कैपेसिटर पर प्लस प्लस एक पास हो, उस पर आपको बैटरी पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ दो हो रहे हैं, एक यहाँ प्लस हो रहा है एक, इन दोनों का, तो मेरा इससे बैटरी प्लस बन जाता है। तो हम बैटरी प्लस पर लगा देंगे आगे देखकर, यहाँ हम आगे से ही डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ और बैटरी माइनस के भी जहाँ आप देख सकते हैं दो डायोडों का ब्लैक ब्लैक साइड एक हो रहा हो, जैसे इन दो का एक यहाँ प्लस हो रहा था इन दोनों का, तो यहाँ प्लस बन गया, इन दोनों का यहाँ देखिए माइनस हो रहा है, माइनस ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है हमारा ब्लैक पॉइंट, ठीक है, यानी माइनस। अब इनका प्रिंट है वो यहाँ तक आ रहा होगा, यहाँ तक ठीक है दोस्तों, बैटरी माइनस तक, तो जहाँ इन दोनों का प्रिंट आ रहा हो बैटरी माइनस हो जाएगा, वहाँ इन दोनों का प्रिंट यहाँ तक आ रहा है, पीछे से देख सकते हैं ये इन दोनों का प्रिंट था और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये बैटरी माइनस बन गई। आपको इसमें बैटरी माइनस का वायर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख रहे हो मैंने बैटरी माइनस कर दिया। अब आपको जहाँ बैटरी के तार लगाए ना, वहां पर आपको LED जो ये वाली लाइट है उसका माइनस लगा देना है, जहां पर भी लगाए उससे आसपास। ठीक है दोस्तों, जहां भी इसका माइनस लगाया हो बैटरी का, उसी पर इसका माइनस लगा देना है। अब इसके प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे, ये व्हाइट और ग्रीन है, तो आपको बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करना है। देखिए मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं जला। ठीक है, अब तार बदल के चेक करने, यहाँ जल रहा है, ये देखिए जल गया, तो इसका ये नेगेटिव है, ये जो व्हाइट है ये इसका नेगेटिव है। अब देखना है इसका ब्लैक, ब्लैक हमने यहाँ लगाया यहाँ पर, अब इसका देखिए प्रिंट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एक तो इधर जा रहा है, इधर कुछ नहीं है, L2+ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
और इधर जाएंगे हम इधर, तो यहाँ दो डायोड एक हो रहे हैं और इधर एक खाली प्रिंट दिख रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है L1- यानी कि लाइट का माइनस है। हम इसमें डालेंगे इसको दोस्तों, इसको बस थोड़ा ध्यान से समझना है, इसे वायरिंग करना इसका काफ़ी आसान होता है टॉर्च का। ठीक है दोस्तों, इसमें डाल के सोल्डिंग कर देंगे हम, इसमें ये डाल दिया और सोल्डिंग कर देंगे, ये सोल्डिंग कर दिया, बचा प्लस। प्लस को आपको क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है, तो हमको इसके स्विच के साथ कनेक्ट करना है। स्विच में तीन तार हैं, तीन तार, एक दो तीन, ये जो बीच वाला है ये आपको इन दोनों के लिए, अगर स्विच को इधर करेंगे तो इधर करंट देगा, इधर करेंगे तो इधर, तो ये बीच वाला है ना रेड, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। जहाँ बैटरी का लगाया वहीं लगाएंगे, बस देखना है आपको प्रिंट कहाँ जा रहा है। यहाँ बैटरी का लगाया है, ये रहा बैटरी का ये वाला, और ये यहाँ लगाया, इसका प्रिंट यहाँ है, तो इसके जो पीले को नहीं सॉरी रेड को बैटरी के साथ लगा देंगे। ठीक है, बैटरी के साथ लगा देंगे, और बचे हुए इसके दो तारों को की वन और की माइनस, जो रेजिस्टेंस के लिए, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों इस लाइट और इस लाइट की हैं, एक एक इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। अब देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहाँ से, ये रेजिस्टेंस है, इसका प्रिंट ये रहा और यहाँ खाली है, कुछ नहीं है, तो इसके एक को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वाली रेजिस्टेंस के साथ, और एक को इधर वाली के साथ। इसमें दो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों उनके लिए हैं, ये देखिए लगा दिया, और लाइट के जो एक पॉजिटिव बचा हुआ है उसी को आप किसी भी रेजिस्टेंस के साथ लगा सकते हैं। मेरी यह रेजिस्टेंस खाली, देखिए लगाते ही यहाँ जलने लग गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के साथ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसकी पूरी वायरिंग हो जाती है, और अब इसे हम करेंगे टेस्ट। तो देखिए ये साइड इधर जल गई, इधर ये वाली साइड जल रही है। ठीक है, अगर आपका स्विच आपको लग रहा है गड़बड़ कर रहा है या टाइट चल रहा है, तो ये मोमियोल आता है, और या फिर आप इसमें मशीन वाला तेल, जो सिलाई मशीन में तेल डलता है, उसे डाल सकते हैं, थोड़ी सी एक बूंद डाल दें, उसी से काम हो जाएगा आपका, और ये अच्छा काम करने लगेगा, काफ़ी नरम हो गया ये तेल डलते, और इसे चार से बार इस तरह चलाएं तो ये काम करने लग जाएगा। और अब हम इसे करते हैं पूरी तरह फिट। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों अब इसे हम पूरी वायरिंग करने के बाद कस देंगे, और अब करके दिखाऊंगा मैं। इसमें फिलहाल एक ही पेच कस रहा हूँ, पेच कसने के बाद इसे आपको आगे से इस तरह कस लेना है, ये तो सिंपल है, कोई भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा लेना। ठीक है दोस्तों, और ये लगा ली मैंने इसके आगे, और ये देखिए ये इसकी अगली लाइट जल गई, ये इसकी पिछली लाइट जल गई, ये काफी कम चार्ज है, क्योंकि कई दिन से इसी तरह खराब पड़ी थी, टूट गई थी ये खुल के, एक तरह से समझो ये भी यहाँ से एक दो तार बाहर निकल रहा है, इसे भीतर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसे 220 वोल्ट एसी से चेक करेंगे कि इसमें चार्जिंग चल रही है या नहीं। दोस्तों ये इसकी लीड आती है, आपके पास ना हो तो आप इसे खरीद सकते हो, और ये मैंने प्लग इन किया है 220 वोल्ट से, और देखिए यहाँ चार्जिंग चलने लग गई। ठीक है दोस्तों, ये चार्जिंग चल रही है, ये बंद हो गई, चल गई बंद होगी, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।